बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम से पाठ 6 के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। पाठ 6 जिसका शीर्षक है बहुत हुआ। तो इस पाठ में मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में ही बताया था कि सभी लोग और कभी खुद स्वयं बरसात से परेशान होकर के बादल भैया से बोलते हैं कि बादल भैया बहुत हुआ, अब आप बरसना बंद करो। बादल भैया बहुत आप बरस लिए, चारों तरफ से हमें कीचड़ ही कीचड़ दिख रहे हैं, पानी ही पानी दिख रहे हैं, हमें सड़क नज़र नहीं आती है। सड़क ऐसा लगता है मानो वह सड़क नहीं बल्कि नदी हो, क्योंकि सड़कों पे पानी नदी की तरह बह रही है और इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। बाहर तो बाहर, हमारे घर के अंदर भी क्या है, दिन रात पानी टपक रहा है और दिन दिन के समान नहीं लगता बल्कि दिन भी रात लगता है और रात भी रात लगता है। तो अब आप हम पे दया कीजिए। सूरज दादा आप जल्दी से निकलो और बारिश भैया आप जल्दी से जाओ। यही मैंने बताया था ना आप लोगों को इस पाठ में। तो चलिए पाठ के प्रश्नों को देखते हैं। बरसात, बरसात कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। बरसात कहने पे हमारे मन में तो बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बादल। बादल होती है तब तो बरसात होती है ना, तो बाद फिर जाके है छतरी। और क्या आते हैं, और क्या शब्द आते हैं, छतरी। तो एक तो हुआ बादल और दूसरा क्या हुआ, छतरी। और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारे वस्तु के नाम आते हैं। जैसे बरसात के मौसम में बच्चे क्या करते हैं, कागज के नाव बनाते हैं, नाव को पानी में तैराते हैं, नाव भी तो होगा। बहुत सारे चीज़ हैं, आप लोग सोचिए और लिखिए। मैंने आप लोग को बताया बादल और छतरी। चलिए अगला प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है तो तब हम लोग कौन सा खेल खेलते हैं और कहाँ खेलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग घर के अंदर खेले जाने वाले खेल ही खेलेंगे ना, क्योंकि बारिश के मौसम में हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि दिन रात पानी ही टपकते रहता है और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल नहीं सकते, इसलिए जो भी खेल खेलेंगे हम लोग घर के अंदर ही खेलेंगे। तो घर के अंदर खेलते हैं, सबसे पहले तो कहाँ खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं। कौन कौन सा खेल खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। आजकल आप लोग ऑनलाइन गेम भी खेलते हो, तो ऑनलाइन गेम्स और क्या कंप्यूटर पर भी खेले जाने वाले खेल खेलते हो ना, कंप्यूटर पे भी खेलोगे। और लड़कियां ज़्यादातर क्या खेलती है, गुड़िया गुड़िया का खेल खेलती है, तो गुड़िया से घर घर का खेल खेलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। जब खूब तेज बारिश होगी तो हमारे घर के चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ दिखाई देंगे। कैसा दिखाई देगा, हमारे घर के चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है। बारिश में कितना पानी बरसता है यह तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, बारिश में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बारिश में बहुत ज़्यादा पानी, बहुत पानी बरसता है। यह पानी ऊंची जगहों से होते हुए नीची जगहों की ओर चला जाता है, क्योंकि पानी ऊंचाई से ऐसे गिरती है, ऊंचाई से गिरते हुए नीची जगहों पे चला जाता है। और कुछ पानी क्या होते हैं, नाला में बह जाते हैं और नाला से बह करके वो नदियों में मिल जाते हैं। कुछ पानी जमीन सोख लेती है, धरती माता ही हमारी सोख लेती है। पता चला पानी कहाँ जाता है। चलो अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, बताओ। कुछ
चीजों और लोगों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे लोग, आदमी लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बारिश से बचने के लिए। तो हम लोग छतरी का उपयोग करेंगे या घर में ही रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, घर में रहेंगे और जब घर से बाहर जाएंगे तो छतरी का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, घर में रहेंगे और घर से बाहर जाएंगे तो छतरी का उपयोग करेंगे। कबूतर अपने घोंसले में छिप जाएगा। कबूतर क्या करेगा, कबूतर उड़ करके अपने घोंसले में छिप जाएगा। केचुआ तो जमीन के अंदर रहता है, तो केचुआ तो जमीन में ही जाएगा, तो केचुआ क्या करेगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते को देखे हो ना बारिश के मौसम में, हम लोगों के घर के दीवार के नीचे जहाँ छत रहता है, जहाँ पे पानी कम टपकता है या ना के बराबर चूता है, तो वहाँ पे आके कुत्ता बैठ जाता है या घर में घुस करके बैठ जाता है। तो कुत्ता क्या करेगा, घर या किसी इमारत के नीचे छिप जाएगा। मछली, हम सभी जानते हैं मछली जल की रानी है, सभी को ये कविता याद है ना। तो मछली तो जल की ही रानी है, तो मछली तो पानी में ही रहेगी। अगला प्रश्न है मोर क्या है? पता है ना मोर बारिश के मौसम में बरसात के दिनों में क्या करता है। मोर बरसात के दिनों में अपने पंख को चारों तरफ फैला लेता है और फिर नृत्य करता है, नाचता है, मगन हो जाता है। तो मोर क्या करेगा, या तो किसी डाल पे जाकर बैठ जाएगा या नाचना शुरू कर देगा। तो चलिए आप लोग इन सारे प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनिएगा और मैं पीडीएफ भेजूंगी, उसे आप अच्छे से सुंदर अक्षरों में अपने हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। आगे का प्रश्न जो है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में भेजूंगी उसका उत्तर, ठीक है ना। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।